हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नासा के डार्ट मिशन के बारे में पढ़ेंगे कि है क्या बेसिकली। देखते हैं कि न्यूज में क्यों था ये कि नासा ने अपने एक डार्ट मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट जो भेजा था, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे जो एस्टेरॉयड जिसका नाम था डाइमॉर्फस, वो पृथ्वी की तरफ आ रहा था। उससे पृथ्वी को बचाने के लिए एस्टेरॉयड से नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट छोड़ा और वो एस्टेरॉयड के साथ टकराया और उसका दिशा जो डायरेक्शन था उसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट इसके बारे में, डार्ट मिशन है क्या बेसिकली, तो इसमें देखते हैं कि डार्ट का मतलब क्या होता है। तो यह है डबल डबल एस्टेरॉयड एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट का मतलब डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट होता है। बेसिकली एस्टेरॉयड होता क्या है, तो एस्टेरॉयड एक तरह का स्मॉल इनएक्टिव इनएक्टिव रॉकी बॉडी होता है, रॉकी बॉडी होता है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और बाइटिंग तो सन सन के तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो डार्ट मिशन में देखते हैं कि डार्ट क्या था, कि डार्ट एक लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट जिसमें टू सोलर अरेज थे, टू सोलर और इसमें हाइड्रोजन प्रोपेलेंट का यूज हुआ था, यूज हाइड्रोजन प्रोपेलेंट। इस डार्ट मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव कि ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करना है टू प्रिपेयर न्यू टेक्नोलॉजी टू टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी जो हमें भविष्य में एस्टेरॉयड से पृथ्वी को टक्कर को बचाना है। इसका पर्पस है जो एस्टेरॉयड्स आते हैं उसे पृथ्वी को बचाना है। एस्टेरॉयड हेड्स टू अर्थ अर्थ इन फ्यूचर में यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आते हैं तो उसे इसको बचाना है। उसके लिए क्या किया गया था इसमें कि एक स्पेसक्राफ्ट था उसको एस्टेरॉयड के साथ क्रैश कराया गया। अलाउ स्पेसक्राफ्ट टू क्रैश इनटू एस्टेरॉयड जिससे उनका जो पाथ था वो चेंज हो गया, वो चेंज चेंज इट्स ठीक है। तो इसलिए पर्पस से डार्ट मिशन का नासा ने टेस्ट किया। सो फ्रेंड्स, लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को एज ए सपोर्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक है शेयर कर